देखिए एक बार की बात है, हमारी गौरी गौरा माता नाराज हो जाती है। नाराज क्या हो जाएंगे, हम आपको भांग पीस के नहीं देंगे, नहीं देंगे, यही बात है। और देखिए ये बोल रही है कि भांग पीस कर नहीं देंगे। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि भांग पीस के नहीं दें, बताइए, भांग पीस के दे दें कि थोड़ा नखड़ा बनता है। जी जी जी, अच्छा बोलिए जिया जी, भांग पीस के दे कि अभी नहीं दें। मेरी पार्वती भांग पीस के लेते कि हम अपने पीस करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, तब तो बड़े भाग्यवान है आपकी पार्वती। और कहना चाहूंगा गौरा जी, सुनिए पहले मेरी बात। हाँ जी सुनाइए। कहते हैं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी देखेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको फिर क्या होने वाला अगर आप पीस पीस नहीं दोगी तो। अरे झूठ बोले पीस धर काटे, कॉल दिस धर से यो, ये बात मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखती रहियो। किन्ना हम सब क्या पैसा लाए रहने से पापा, ऐसा हम हर जात बने। मैंने तो पहले ही कहा जी, आप मैके घर की बात कर रही हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप मैके गई तो भोलेनाथ का फिर तुरंत दूसरा सेटिंग हो जाएगा। चाहिए नहीं देंगे, क्या बोलना है बोली। और तालियों का साथ Yeah.
और देखिए इधर हमारे सोनल स्टील फर्नीचर की ओर से ये एक से रुपए का उपहार आया है और उन्होंने कहा है कि गौरा जी के लिए विशेष कर दिया है कि आप भांग पीस कर लाकर देना है आपको, इसीलिए आपको पुरस्कार। अच्छा सुनिए, हम आपको भांग पीस के दे दे। जी जी, लेकिन हमारी एक शर्त है, मानिएगा। कैसा शर्त है भाई? मानेगा पहले बोलिए। अब शर्त सुनने के बाद ही तो बता पाऊंगा ना कि मानूंगा कि नहीं मानूंगा। देखिए, जुगो जमाना बदल गया है ना, सब कोई फैशन में आ रहे हैं, लेकिन हमारे बोले दाम उसी तरह जगह ढारी के जैसे का छाला पहन। इधर देखिए, इधर देखिए, फिर से हमारे सोनल स्टील फर्नीचर की ओर से 200 एक आ गया है। थोड़ा सा बड़ा है, कहने का मतलब है पीस को देना ही होगा आपको। अच्छा सुनिए, तो वही बोल रही थी कि भोलेनाथ की तस्वीर आप सभी ने देखी है ना, देखिए ना माता बहनों से पूछ रही हूं। अरे सिर झुला के भी तो बता दीजिए, देखिए है ना तस्वीर। और इधर देख लीजिए, हमारे बड़े भैया राजू भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। राजू भैया, भांग पीस कर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, चाहेंगे एक बार भर। राजू भैया के लिए जोरदार ताली बज जाए आपके गालिब से। क्या बात है, तो सुनिए, उनके बाल है जटा धारी के जैसे, तो मेरी शर्त है कि आप अपना भेषभूषा बदल लीजिए थोड़ा सा, तब मैं भांग पीस के दूंगी। जरा किस तरह कहना चाहती है पार्वती मैया, जरा सुनिएगा। बिल्कुल जैसे जीजा जी की हेयर कट है ना, जैसे जीजा जी के बाल कटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही कटाने पड़ेंगे भोलेनाथ को, तभी पार्वती मैया भांग पीस के देंगे। इसलिए सुनिएगा जी कि हिप्पी कटा